समय की बात है, हेनरी और रिचर्ड दोनों अपने जहाज में सवार होकर समंदर में सफर कर रहे थे। ये नौका है हमारी, ये समंदर है हमारा, हम चलते हैं हिम्मत से, हमें है सिर्फ एक दूजे का सहारा। और अचानक समंदर की लहरों में उफान आने लगा। एक बवंडर हमारी ओर आ रहा है, जो भी मिले उसे कस के पकड़े रहना। बवंडर ने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हेनरी बच पाया क्योंकि उसने एक लकड़ी का सहारा ले रखा था। समंदर की लहरें बेहोश हेनरी को एक टापू पर ले आई। और अब जब हेनरी को होश आया, रिचर्ड! उस बवंडर ने मेरे भाई जैसे दोस्त को खा लिया, अब मैं क्या करूं? मैं अकेला इस टापू पर, हे भगवान, ये क्या किया? मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ? हेनरी रात भर रोता रहा। अगली सुबह हेनरी उठा और टापू में घूमने लगा। उसे कुछ फल के पेड़ दिखे, उसने फलों को तोड़कर खाया। वो चलता रहा और आगे उसे एक गुफा दिखी। वो गुफा के अंदर गया और उसने सोचा, ये गुफा मेरे रहने के लायक है। वो थोड़ी देर वहीं बैठा और फिर उसका ध्यान गुफा की पिछली ओर गया। वहाँ बहुत सारा कोयला था। वाह, यहाँ तो कोयले हैं। इससे तो रात में आग का इंतजाम भी हो जाएगा। हेनरी ने कुछ कोयले के टुकड़े तोड़ लिए। शाम को हेनरी कोयले के टुकड़े लेकर टापू के तट पर गया। वहाँ उसने पत्थरों की मदद से वो कोयले जलाए और समंदर की ओर देखने लगा। देखते ही देखते ये सब हेनरी की दिनचर्या बन चुकी थी। वो जंगल में मिलने वाले फल खाता, गुफा से कोयले इकट्ठा करता और उसे समंदर के पास जलाता और फिर वापस गुफा में आकर सो जाता। एक दिन की बात है, हेनरी कोयला इकट्ठा कर ही रहा था कि उसे कुछ चमकती चीज दिखाई दी। ये क्या है? हेनरी ने उस जगह का कोयला खुरेदा और उस चीज को देख हेनरी खुशी से फूले नहीं समाया। हीरा! उसने और खोदा तो उसे और भी ढेर सारे हीरे दिखाई दिए। वो बहुत खुश था, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। लेकिन मैं इसका क्या करूं? मैं इस टापू पर अकेला रहता हूं। अगर आज रिचर्ड मेरे साथ होता तो हम कुछ भी करके ये सब हीरे अपने घर वापस ले जाते, हमारी जिंदगी बदल चुकी होती। लेकिन अब क्या ये सब मेरे लिए सिर्फ पत्थर हैं? हेनरी ने वो हीरे वहीं फेंक दिए और वो फिर आग जलाने लगा। रोज की तरह हेनरी टापू के तट पर आग जलाकर समंदर की ओर देखा करता। हेनरी को इस टापू पर आए हुए अब एक महीना हो चुका था और अचानक हेनरी को विसल की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। हेनरी दौड़ता हुआ टापू के तट पर पहुंचा। उसने देखा वहां एक जहाज था। हेनरी खुशी के मारे कूदा। जहाज में हेनरी का दोस्त रिचर्ड था। रिचर्ड हेनरी को देख बहुत खुश हुआ और उसने हेनरी को गले लगा लिया। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे यकीन था तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। मेरे दोस्त, चलो चलो मेरे साथ। हेनरी रिचर्ड के साथ जहाज पे चढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। रिचर्ड, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है? चलो तो मेरे साथ। हेनरी रिचर्ड को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। वहाँ उसने रिचर्ड को वो हीरे दिखाए। बाप रे, इतने सारे हीरे! हाँ,
और मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो ही इन हीरो का मेरे लिए मूल्य है, वरना ये सब तो सिर्फ पत्थर हैं। रिचर्ड ने हेनरी को गले लगाया। रिचर्ड, तुम मेरी जिंदगी के असली हीरे हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं यही इस टापू पर मर जाता। भाई, तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ। हेनरी और रिचर्ड ने हीरे जमा किए और उन्हें जहाज पर लाद दिए और फिर वो जहाज लेकर निकल पड़े, एक बार फिर वही गाना गाते हुए। ये नौका है हमारी, ये समंदर है हमारा, हम चलते हैं हिम्मत से, हमें है सिर्फ एक दूजे का सहारा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप